नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ईरान और इसराइल के साथ पुरानी दुश्मनी, इसको लेकर दोनों देश के नेता एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। आपको मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ईरान के सबसे सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने इराक में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में मार दिया था, जिसको लेकर ईरान में जोरदार प्रदर्शन हुए और ईरान ने बदला लेने के लिए कसम खाई थी। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला ने इसराइल पर निशाना साधते हुए उसे कैंसर ट्यूमर करार दिया और उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में भाषण देते हुए कहा कि इसे निस्संदेह उखाड़ दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। खमनेई ने कुछ दिवस के मौके पर यह भाषण दिया। खमनेई ने राष्ट्र के नाम 30 मिनट के भाषण के दौरान कई बार इसराइल को कैंसर और ट्यूमर करार दिया। साथ ही इसराइल की सैन्य एवं अन्य सहायता के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की आलोचना की। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चलें कि लंबे समय से आपसी दुश्मनी में उलझे ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में साइबर अटैक के मामले आए। इजरायली मीडिया के मुताबिक बीते दिनों इसराइल की कई वेबसाइट्स पर साइबर अटैक किए गए और उनके होम पेज को गायब कर दिया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक होम पेज में हिब्रू और अंग्रेजी में इसराइल को धमकाने वाले संदेश और वीडियो पोस्ट किए गए थे। इजरायली मीडिया इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले ही ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह शाहिद राजई टर्मिनल पर भी साइबर अटैक हुआ। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे इसराइल का हाथ है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ईरान सीमा में रहे और हवा में सपने ना देखे। अब देखना है कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण है और दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में हर देश कुछ ना कुछ कर ही रहा है। ईरान इसराइल में ठनी है तो चीन भारत को धमका रहा है। देखना होगा कि आगे ये दुनिया किस तरफ जाती है।